नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि सिंगल फेज का ऑटो की कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं प्रैक्टिकल रूप से दिखाएंगे आप लोगों को एक एक चीज़। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। और ये देखिए दो स्टार्टर मेरे पास ऑटो से, ये देखिए एक वहाँ पे है और ये एक यहाँ पे है। तो इन दोनों स्टार्टर के अंदर में सिंगल फेज के ऑटो के कनेक्शन करूँगा। दोस्तों सिंपली आप लोगों को इस प्रकार की एक 0.75 mm या फिर 1 mm की ये डोरी लेनी है, इससे ही कनेक्शन होंगे इसके। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रल। एक मिनट में फोकस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इस प्रकार से वायर लगेंगे, नीचे वाले नहीं है ऊपर वाले हैं। सबसे पहले वाला आपको यहाँ पे लगाना है। ये हमारे शुरुआत के दोनों पेच और न्यूट्रल है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। ये हमारे मेन सप्लाई के अंदर लगेंगे तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए स्टार्टर में इस प्रकार से इसके नाप की काट लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वाला लग गया है, दूसरा भी लगा दूंगा जो हमारी मेन सप्लाई का है। देखिए दोस्तों सबसे पहले पेच और न्यूट्रल जो हमारे मेन सप्लाई के हैं वो इसके अंदर सप्लाई दे दी हमने, और ये कनेक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कनेक्शन है, यहाँ पे जो वायर लगे हुए हैं हमारे रनिंग कैपेसिटर के वायर हैं, हम उनको यहीं से सप्लाई देंगे। और ये ऊपर जो लगे हुए हैं कॉन्टेक्टर में, ये हमारे दोनों तार स्टार्टिंग कैपेसिटर के हैं, ठीक है। और ये पीछे देख लीजिए आप, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे उनके। अब उसके बाद में हम तीसरा वायर लगाएंगे यहाँ पे जो हम कॉन्टेक्टर की मैग्नेट कॉइल पे दे देंगे तीसरे नंबर का। और दोस्तों साथ के साथ ही एक वायर यहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमने ऑटो को लगाया, वहाँ से साथ के साथ हमारे स्टार्ट उस बटन पे जाएगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी ऑन होगा। तो हम वो भी वायर साथ के साथ लगाएंगे सबसे पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बीच बीच में, इसलिए मैं साथ के साथ लगा रहा हूँ यहाँ से लेके और यहाँ पे हमारे ऑन पुश बटन पे दे देंगे।
ये हमारा C1 है दोस्तों, ये हमारा P और N हो गया, ये C1 है। C1 हमको मैग्नेट कोइल कॉन्टेक्टर के मैग्नेट कोइल के अंदर दे देना है, फिर एक वायर वहाँ से उठाना है, यहाँ पे घूम के हमारे स्टार्ट पुश बटन पे आ जाएगा और ये यहाँ से सप्लाई लेगा दोस्तों। जब हम इसको प्रेस करेंगे तब ये ऑन होगा, छोड़ दे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। वो भी साथ के साथ काम करेगा और जो ऑटो से भी एक स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारा काम करेगा वो भी ऑटो से कनेक्ट हो गया, दोनों वायर हमारे मैग्नेट कोइल पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर का वायर, सॉरी चौथे नंबर का, यहाँ पे लिखा हुआ है C1, C1 तो हमने लगा दिया, यहाँ पे C2 और S1 दोनों को कॉमन करना है दोस्तों। और हमारी रिले है ना, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमारी रिले यहाँ पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कॉमन कर दिया है मैंने, ये वायर यहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे लगा देना आप लोगों को, जो हमारा C2 और S1 है दोनों को कॉमन करके रिले पे लगा देना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये सॉरी यहाँ से हट चुका था। अब उसके बाद में हमारा एक लास्ट वन S2 बचता है दोस्तों, और हमारे सारे कनेक्शन कर चुके हैं और ये लास्ट वाला खाली रहता है, उसको आपको छोड़ देना है। आपको देख लेना है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा S2 है, तो देखिए दोस्तों S2 यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हमारा रेड पुश बटन है उसके सेकंड नंबर की कुटी पे लगेगा ये। अब दोस्तों कनेक्शन तो हो चुके हैं हमारे सारे, उसके बाद में हमारे यहाँ पे मैग्नेट कोइल कॉन्टेक्टर के मैग्नेट कोइल का ये खाली छूटा हुआ है अभी तक, तो यहाँ पे हम जो हमारा ब्लू वाला वायर है, यहाँ पे ये रेड वाला है, ये पीला वाला है और ये ब्लू वाला है, तो इस ब्लू वाले की सप्लाई हमको इसमें देनी है, ये हमारे डायरेक्ट दे देनी है आप लोगों को। मेन सप्लाई से भी आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे देना है, इस पर कोई भी वायर नहीं लगेगा दोस्तों। और कॉन्टेक्टर के जो मेन सप्लाई के वायर है ऊपर दोनों हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर के हैं, और नीचे हमारे दोनों रनिंग वाले कैपेसिटरों के वायर हैं, यहाँ पे लगा दिया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे भी लगा था तब भी बात हो ही रहती, और मैं यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट, क्योंकि कनेक्शन भी लूज नहीं रहेंगे हमारे इसलिए। तो मैं यहाँ पे एक वायर और जोड़ रहा हूँ, अब कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सारे कनेक्शन, तो इस प्रकार से इसके फोटो के कनेक्शन होते हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहा हूँ, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।